नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की। आप सभी को बता दूं, राजधानी जयपुर के अंदर राज्यपाल ने आज राज्य भवन में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजधानी जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर उन्हें श्रद्धा नमन करते हुए आज पुष्पांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और इन्हें आत्मसात कर जीवन को सफल किया जा सकता है। मिश्र ने कहा कि मंगलवार को राजभवन में उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वर्णानिबोध का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद ने उठो जागो का संदेश देकर करोड़ों युवाओं का मार्गदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधक के उद्घोष करने वाले तथा उसको व्यवहारिक जीवन में चरितार्थ करने के लिए प्रेरणा देने वाले ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आज है। और आज के अवसर पर मैं विवेकानंद जी के प्रति अपना नमन करता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब भारत के प्रति विश्व में बड़ी हीन भावना बनी हुई थी, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, इसके प्रति लोग बड़े हीनत्व के भाव से देख रहे थे, ऐसे समय में 1893 में शिकागो में जो धर्म महासभा हुई थी, उसमें अपने वक्तृता के माध्यम से जिस ढंग से भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म महिमा के महिमा को महिमा मंडित किया और विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था, लोगों के मन के अंदर जो भारत के प्रति, संस्कृति के प्रति हीन भावना बनी हुई थी उसको बिल्कुल झकझोर दिया, लोग अपने मन से उसको हटा दें, इस प्रकार का जिन्होंने प्रेरणा प्रदान की, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी निश्चित ही हमारे देश के ही नहीं विश्व के करोड़ों युवकों के एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं। उन्होंने विदेशों में लगातार प्रवास करते हुए भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन धर्म, इसके प्रति जिस ढंग से भाव पैदा किया और जिस ढंग से उन्होंने इस बात को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, भारत पूरे विश्व को समाहित करता है, विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करता है, भारतीय संस्कृति इस प्रकार की है, इस बात को उन्होंने दुनिया के सामने अपने प्रवास के माध्यम से लगातार प्रस्तुत ही नहीं किया, लोगों को प्रेरित भी किया। 39 वर्ष की आयु में ही हमारे बीच से चले गए थे। और आश्चर्य तो इस बात की है, इतने कम आयु में उन्होंने जिस ढंग से युवकों को प्रेरित किया, आज भी उनके नाम पर युवक स्वाभाविक रूप से प्रेरणा प्राप्त करता है, आज भी उनके वाक्य को स्मरण करता है कि विवेकानंद जी कहते थे उठो जागो और तब तक काम करते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और इसलिए उनके इस जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और आइए आज उनके इस जन्मदिन के अवसर पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, हम उनके कहे हुए वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनके प्रति हम सही माने में हम नमन कर रहे हैं, ये कहा जा सकेगा। इस खबर बस इतना ही। दिखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।